जहानाबाद के वायरल वीडियो में जिस तरीके से नाबालिग के साथ कुछ दरिंदों ने छेड़खानी की, इससे नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े हुए। सरकार ने अफरा तफरी में एक SIT का गठन किया, जिसके बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 28 अप्रैल की रात बिहार के जहानाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक नाबालिग के साथ कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे। दरिंदगी करते हुए इन छात्रों का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से हंगामा शुरू हो गया कि आखिर ये लड़के कौन हैं। जहानाबाद के वायरल वीडियो मामले में पटना के जोनल IG नैयर हसनैन खान ने एक SIT का गठन किया। इसमें पटना के SP और जहानाबाद के SP के अलावा दोनों जिला के पुलिस अधिकारियों को रखा गया था। सबसे पहले उस बाइक को बरामद किया गया जो इस वीडियो में दिख रहा था, और उसके बाद SIT ने लगातार छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के बाद इस घटना में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। IG पटना ने बताया कि जहानाबाद के भरथुआ में काको थाना क्षेत्र की यह घटना है, और जिन 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई वो दोनों 18-18 साल के हैं। तीसरे लड़के की उम्र भी 18 साल है, जबकि चौथा नाबालिग है। वीडियो से ये भी प्रतीत हो रहा है कि ये जो लड़की है ये नाबालिग है, और फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस भले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, मगर सवाल ये है कि बाकी के आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर क्यों, और आखिर इस नाबालिग के साथ इस छेड़छाड़ के पीछे क्या कोई साजिश थी। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती धमाका। धमाके में 25 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 45 घायल। काबुल में 2 आत्मघाती हमलों में 7 पत्रकारों समेत करीब 29 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक काबुल के शशदारक क्षेत्र में दूसरा धमाका उस वक्त हुआ जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। धमाके में 45 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने इस धमाके में 29 लोगों की मौत की पुष्टि की है। घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया है। धमाके में 7 पत्रकारों की भी मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले विस्फोट के तुरंत बाद दूसरा विस्फोट हुआ। अफगानिस्तान में पिछले 15 दिनों में 6 धमाके हो चुके हैं। पिछले हफ्ते हुए धमाके में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज एक्शन, दिल्ली। भारत पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान अपने SPS प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। अगले वित्तीय वर्ष से शुरू किए जाने वाले इस SPS प्रोग्राम का बजट लगभग 470 करोड़ रुपए रखा गया है। पाकिस्तान अगले वित्त वर्ष एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस SPS प्रोग्राम का मकसद भारत पर नजर रखना और अपने सैन्य व असैन्य उद्देश्यों के लिए विदेशी सैटेलाइट पर निर्भरता को कम करना है। पाकिस्तानी अखबारों के मुताबिक सैन्य और असैन्य संचार के लिए अमेरिकी और फ्रांसीसी उपग्रह पर निर्भरता कम करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पाकिस्तान कई सैटेलाइट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा है। इसके अलावा 1 अरब रुपए की लागत से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्पेस सेंटर स्थापित करने की भी योजना है। पाकिस्तान के इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जाहिर है चीन की चतुरचाल होगी। जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया था, ठीक उसी तरह से अब स्पेस प्रोग्राम के पीछे भी अपनी जोर आजमाइश में जुटा हुआ है। वीरेंद्र सुभाष चंद के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। बैंकों से मिलने वाली फ्री सर्विसेज पर चार्ज लगने वाला है, तो वहीं ATM, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर भी मिनिमम चार्जेस लगेंगे। यानी शुरुआत में ही अगर आप ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको रकम जरूर चुकानी पड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। आयकर विभाग ने इसके लिए बैंकों को नोटिस भी भेजा है। खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। अब तक मिल रही फ्री बैंकिंग सर्विसेज जैसे स्टेटमेंट, ई बैंकिंग सेवाएं, किसी चेक से भुगतान या फिर खाता खुलवाने जैसी जरूरी फ्री सर्विसेज जो अभी तक आपको फ्री में मिलती आई हैं, उन पर चार्जेस लगने की बात हो रही थी, बल्कि अब ATM, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड पर भी पहले ट्रांजेक्शन से चार्जेस लगाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो इसके लिए आयकर विभाग ने बैंकों से इन सर्विसेज पर टैक्स चुकाने की बात कही है, जिससे ऐसी सेवाओं पर भी अब चार्ज लगने लगेगा। नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में करीब 400% का इजाफा हुआ है, लेकिन आयकर विभाग का ये फैसला, जो बैंकों को नोटिस भेज करके फ्री सर्विसेज पे चार्ज की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन को पीछे धकेलेगा। इस पर सरकार और अथॉरिटीज को सोचना होगा। विजुअली जगदीश चंद के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाकों का खास ख्याल रखने जा रही है। योगी सरकार ने तय किया है कि इन मुस्लिम बहुल इलाकों को भरपूर बिजली की सुविधा दी जाएगी। रमजान के पाक महीने में बिजली कटौती रोजेदारों को काफी परेशान करती आई है। इसके लिए इस बार योगी सरकार ने मुस्लिम बहुल जिलों में भरपूर बिजली देने की योजना बनाई है। शहरी और इफ्तार के समय बिजली की कटौती नहीं होगी। तत्काल फॉल्ट दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त टीमों को भी लगाया जा रहा है।
इसके साथ ही हर बिजली घर पर मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था भी की जा रही है। माह ए रमजान का आगाज मई के तीसरे हफ्ते से होने जा रहा है, इसके लिए तैयारियां शुरू होने लगी हैं। क्योंकि बिजली की मांग बढ़ेगी, लिहाजा सरकार ने भी लगातार सप्लाई की प्लानिंग कर ली है। जो भी बिजली घर खराब हैं उन्हें 10 मई तक दुरुस्त करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि रमजान माह में बिजली की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। बिजली की होने वाली मांग को देखते हुए सेंट्रल पूल से भी बिजली मांगी गई है और उम्मीद ये है कि मई के पहले हफ्ते तक बिजली मिलने लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन, लखनऊ। जेल में सजा काट रहे आसाराम के बचाव में उतरे राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख गोपाल दास। रेप के दोषी आसाराम को बताया महात्मा। उनका कहना है कि आसाराम के खिलाफ साजिश की गई है। राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास महाराज दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए आसाराम के समर्थन में आगे आए हैं। आसाराम सजा पाने के बाद जोधपुर की जेल में बंद है। महंत दास के अनुसार एक सहारा लेकर उन पर चारित्रिक दोष लगाया गया है। एक कार्यक्रम में आए महंत नृत्य गोपाल दास ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि आसाराम के प्रति जनमानस की आस्था एवं श्रद्धा है। जेल होना या ना होना, यह तो होता ही रहता है। उन्होंने कहा कि आसाराम एक महात्मा है और इसी कारण ये सब हो रहा है। उनके अनुसार साधु संतों एवं महात्माओं की निंदा करने के लिए इस तरीके के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। महंत दास से जब यह सवाल पूछा गया कि इस तरीके के मामलों से साधु संतों की छवि खराब हो रही है, तो उनका कहना था कि जैसे एक मछली तालाब को गंदा नहीं कर सकती, वैसे ही एक साधु संत के जेल जाने से साधु संतों की छवि खराब नहीं होती। वीडियो जर्नलिस्ट दीपाड़ा के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। राजस्थान में गर्मी के कहर के साथ ही पेयजल संकट गहराया। डार्क जोन वाले इलाकों में टैंकर से पानी सप्लाई एकमात्र सहारा, मगर टैंकर से पानी सप्लाई भी हो रहा है नाकाफी साबित। कांग्रेस ने बोला सरकार पर हमला, कहा चहेतों को दिया ठेका, अब ठेकेदारी दिखा रहे प्यासी जनता को ठेंगा। राजस्थान में जैसे जैसे भीषण गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसी प्रकार प्रदेश के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लगातार बढ़ते डार्क जोन के कारण ऐसे क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां टैंकर से पानी सप्लाई एकमात्र उपाय है। कांग्रेस ने टैंकर सप्लाई पर सवाल उठाए हैं। सरकार को पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों की चिंता के बजाय अपने चहेतों की चिंता है। कांग्रेस का सरकार पर सीधा आरोप है कि सरकार ने अपने चहेतों को ठेका दे दिया, मगर ठेकेदार अब प्यासी जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं। वहीं जलदाय विभाग का दावा है कि ऐसे मौसम में हमने टैंकरों की संख्या में इजाफा कर दिया है। आने वाले समय में गर्मी और भी कहर बरपाएगी, लिहाजा पेयजल संकट भी गहराएगा। ऐसे में पानी पर सियासत नहीं बल्कि प्यासी जनता को समाधान चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सरकार में अपनी हिस्सेदारी में बड़ा फेरबदल करते हुए 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पीकर कवेंद्र गुप्ता का है, जिन्हें बीजेपी ने डॉक्टर निर्मल सिंह की जगह प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया है। उनके साथ किश्तवाड़ से राज्य मंत्री सुनील शर्मा का कद बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, सांबा से विधायक देवेंद्र मनियाल, हीरानगर से विधायक राजीव जसरोटिया और डोडा से विधायक शक्ति परिहार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके साथ बीजेपी ने अपने 2 मंत्रियों का भी मंत्रिमंडल से पत्ता साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी ने भी अपने एक मंत्री अब्दुल हक खान को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और 2 विधायक मोहम्मद खलील बंद और मोहम्मद अशरफ मीर को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कठुआ मामले के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव कर बीजेपी ने भले ही लोगों को नया संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन इस कवायद से बीजेपी को कितना फायदा होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू।